दोस्तों आज हम बताएंगे आपको दो ऐसे उपाय जिससे आपकी सोई किस्मत जाग उठेगी और धन के सैकड़ों दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस वीडियो की शुरुआत करें। राधे राधे दोस्तों, सावन में धन प्राप्ति के लिए बस ये दो उपाय कर लेना, शिवजी की सबसे ज्यादा कृपा सिर्फ आपको प्राप्त होगी। दोस्तों आज की वीडियो में सावन मास के धन प्राप्त करने के तो बहुत ही अचूक उपाय बताएंगे। ये दोनों उपाय बहुत सरल है, लेकिन शिव पुराण में वर्णित ये दोनों उपाय जीवित काल उपाय हैं। कोई भी उपाय यदि आप इस सावन मास अपनाते हैं तो यकीन माने धन की देवी लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर चलकर आती है, आप पर उनकी कृपा दृष्टि बरसती है। यदि दोस्तों आपके पास धन टिकता नहीं है, नौकरी व्यवसाय में आपको कोई उन्नति नहीं हो रही, धन की क्षति हो रही है, यदि आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो आपको बस इन उपायों को जरूर अपनाना चाहिए। यदि आप धन संचित करना चाहते हैं लेकिन वो आप संचित नहीं कर पा रहे, सारा धन खर्च हो जा रहा है, तो आप आज बताए गए उपाय को बस सावन मास में कर लीजिए, आपकी ये सभी धन से जुड़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये जो दो उपाय हैं आपको सावन मास में करना है, और ये जो सावन मास है इस बार आया है ये बहुत ही दुर्लभ संयोगों में आया है, क्योंकि 19 वर्षों के बाद इस बार सावन मास में अधिक मास लग रहा है। सावन मास दो मासों का है, एक शुद्ध सावन और दूसरा अधिक सावन। इस समय अधिक सावन चल रहा है और इस अधिक मास साथ ही साथ सावन में दीपदान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यदि सावन मास में आप भी धन कुबेर होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला दीपक जिसे लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी वो आपको बेल के पेड़ के नीचे लगाना है। दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि पूरे सावन में बेल पत्र का कितना महत्व होता है, शिवजी इससे प्रसन्न होते हैं। बेल का पौधा उतना ही पवित्र होता है जैसे तुलसी का पौधा, केले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इन पर देवी देवता का भी वास माना जाता है। ठीक उसी तरह बेल के पेड़ पर भी तीनों देवों का वास होता है। भगवान शिव का बेल का पत्ता बहुत प्रिय है, भले ही आप भगवान शिव को कुछ अर्पित ना करें, बस भांग और बेल पत्र ही अर्पित कर देते हैं तो भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, और इनके साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को बेल की पत्तियां अधिक प्रिय होती हैं। तो इस उपाय से आपको बस करना इतना है कि किसी भी शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कर लीजिए और 11 दिनों तक 21 दिनों तक इस उपाय को लगातार करें, क्योंकि इस बार आपको बहुत दुर्लभ संयोग मिल रहा है। यदि आप इतने दिन नहीं कर सकते तो कम से कम 5 दिनों तक तो जरूर करें। तो आपको बस करना इतना है कि एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है, संध्या काल में बेल के पेड़ के नीचे जाकर उसे लगा देना है। तो आप दीपक की बाती लगाएंगे, वो लाल कलावे की आप रखेंगे और माता लक्ष्मी का ध्यान करके इस दीपक को जलाएंगे। यदि आप घर के बाहर नहीं जा सकते तो आप बेल के पौधे के नीचे ही घर में इस दीपक को जला सकते हैं। आपको कम से कम 5 दिनों तक इस दीप दान को करना होगा, जिस तरह से आप तुलसी के पौधे या केले के पेड़ में करते हैं। इस उपाय को करने से दोस्तों माता लक्ष्मी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि बेल का पौधा उन्हें अति प्रिय होता है। बेल के पौधे की जड़ में देवी लक्ष्मी का निवास हो जाता है। तो यदि आप यहाँ पर एक शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसती है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। ये भी दोस्तों एक अद्भुत चमत्कारी उपाय है, जिसे करने से धन की देवी लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। ये भी आपको धन कुबेर बनाने वाला उपाय है। तो आपको सावन मास में ये उपाय सोमवार से शुरू करना है, और ये उपाय आपको किसी भी शिवालय में ही जाकर करना है। इसे आपको देर शाम यानी कि रात के मंदिर के कपाट बंद होने से पहले करना है। रात 9 बजे से पहले ये कर लें तो आप शाम के समय किसी भी शिवालय में पहुंच जाना है, और वहां मंदिर जाकर भगवान शिव के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर आपको प्रज्वलित कर देना है। इस कार्य को भी आपको 5 दिन, 11 दिन या 21 दिन के संकल्प के साथ करना है कि आप लगातार इतने दिन मंदिर में जाकर दीपक जरूर जलाएंगे। आपको इस उपाय को भी जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे धन के देवता कुबेर जो हैं वो अपने प्रारब्ध की वजह से कुबेर बने हैं, क्योंकि अपने प्रारब्ध में वो एक गरीब व्यक्ति थे और मंदिर में गलती से भूलवश रात के समय शिवालय में उन्होंने दीप प्रज्वलित किया था, जिससे शिव भगवान इतने प्रसन्न हुए कि अगले जन्म में वो धन के देवता कुबेर बने। तो ऐसे में यदि आप इस उपाय को सावन के मास में करते हैं तो यकीन करें आप भी धन के कुबेर बन जाएंगे। भगवान शिव की कृपा से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं सब दूर हो जाएगी, आपके घर में धन चारों तरफ से आने लगेगा, आपकी नौकरी व्यवसाय में उन्नति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन संचय कर पाएंगे, आपके घर में देवी लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होगा। इन दोनों उपायों को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री पुरुष बुजुर्ग कोई भी कर सकता है। बस शिवालय में जाकर और बेल के पेड़ के नीचे नियम से ये दीप दान आपको कर लेना है।
इतने सरल उपाय हैं लेकिन इनके चमत्कार बहुत ही बड़े हैं। भगवान शिव की असीम कृपा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, धन की बरकत होगी, तो इस सावन ये दो उपाय जरूर करें।